नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं, जब तन मन खुशियों से भर गया हो और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, इतनी बेसब्री। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं, बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना ओवर टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया
इंडिया इज ऑन द मून, वी हैव आवर नेशनल प्राइड प्लेस ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है, जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गया, वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है, खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आप हैं। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है।
मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्यों को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे
कुणवंती विद्येषु धीरहा यत् पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं, और जो सबके भीतर मौजूद है वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े, मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है। और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने हमारी महिला वैज्ञानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा।
ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान टू के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, और जहां पर चंद्रयान थ्री का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर
हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है, इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है
जो मैं देखता हूं वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं उसका भी टैगिंग, उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती हैं, सारी टाइमिंग बताती हैं और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दे तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी है। और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं।
अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। और साथियों, आपके अलावा मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं, और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम, मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है? ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने ये सिर्फ एक श्लोक बताया है, ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए।
ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। साथियों, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। वैसे कुछ दिन बाद 1 सितंबर से MyGov हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन लॉन्च करने वाला है। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। मेरे परिवारजनों, देश की भावी पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। आप जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ी ही आगे ले जाने वाली है। आप उन सभी के रोल मॉडल हैं। आपकी रिसर्च और आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है
और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है, देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके दर्शन करके पावन हुआ हूं। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं, सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्रम उन संकल्प को सिद्धि के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन रहा है। आपको जितनी बधाई दूं कम है, जितना अभिनंदन करूं कम है। मेरी तरफ से, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की तरफ से, दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।